राजस्थान के उदयपुर जिले में पति ने पत्नी और दो बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। रविवार रात को सोते समय नींद में उसने पत्थरों से तीनों के सिर कुचल दिए और मौके से फरार हो गया। वहीं पड़ोसियों को सोमवार सुबह वारदात का पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उदयपुर जिले के कोटडा थाना क्षेत्र के सुबरी गाँव के रहने वाले इस दंपत्ति में अक्सर झगड़ा होता रहता था। थानाधिकारी पवन सिंह के अनुसार सुबरी निवासी पोपट पुत्र सांतिया गमार ने पत्नी काली देवी 25 वर्ष, बेटी 7 वर्षीय बेटी सुमित्री और 4 वर्षीय बेटी कुमारी की हत्या कर दी। पोपट ने तीनों पर पत्थर से तब वार किए जब वो गहरी नींद में सो रहे थे। वहीं वारदात के बाद वो मौके से फरार हो गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति और पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके कारण देर रात घर आए आरोपी ने बहस की और दोनों में फिर से झगड़ा हुआ, जिसके बाद नाराज पोपट ने अपनी पत्नी और दो बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने गुजरात में मृतका काली देवी के पीहर के पक्ष को जानकारी दी, जहां उसके आने के बाद पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई की जाएगी। शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।